बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम मेरे वालों सारे मेरे भैन ते भरावां नूं। अल्लाह पाक हमेशा तुहानूं खुश रखे, आबाद रखे। जिहड़े दुख तकलीफां अल्लाह पाक तुहाडे दूर करे, तुहाडी जिंदगी च खुशियां ही खुशियां भर दे। आमीन सुम्मा आमीन। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट कि अगर तू साडा चैनल देसी विलेज व्लॉग सबसक्राइब नहीं किया तो इन्हें सबसक्राइब कर लो, जिहड़ा बैल का बटन इन प्रेस कर लो ताकि साडी आने वाली हर वीडियो बर वक्त तुहानूं मिल सके। अच्छा जी, शाम का टाइम आ ते मगरब दीआं अज़ानां होने वालियां हीआं ते खाना खा लिया वा ते बर्तन भी धो के रख लिया, चाय भी उपरों बना के ते पी ली। वेली सी मैं कहा चलो अज है ना मैं सैर सपाटा कर लवा बाहर, खाना हजम हो जूगा। तो खाना अगे मैं ना रोटी खाना कम की है, डॉक्टर ने कहा वा अपना ना वजन कम करो। मैं कहा ठीक है वजन कम कर लें। तो उन्होंने कहा वॉक भी करया करो। सुबह सुबह तो नहीं मेरे को उठाया जाता, मैं हले चलती हाँ ना मेरे सिर से धमक पैंती है, इस करके मैं आस्ता आस्ता थोड़ा जहा फिरन भी खाना हजम हो जाए, उस तो बाद जरा ना अपना इंशाल्लाह वॉक भी करिया करांगे ते खाना भी कम करांगे। मीठा चाह बिल्कुल मैं फिक्की पीना शुरू कर दी है, आस्ता आस्ता ना कम कर रही हूँ, बिल्कुल आस्ता आस्ता कम कर रही हूँ, फिर इंशाल्लाह फिक्की पिया करनी चाहिए भी जी। ना शाम का खूबसूरत व्यू, सारा दिन अज हवा चली है और कैब भी सिर ते लई आ, जर्सी भी पाई आ, तो ठंड लगन डई सी। तो चौधरी साहब उन्हीं तो लेट गए, मैं क्या मैं थोड़ा जाना फिरना टुरना वा तो खाना हजम हो जाए, इस तरह फिर खाना खा के लेट जाओ, फिर ना सिर नूं डॉक्टर कहिंदे भी मतलब मसला मैदा भी खराब हुंदा वा तो गैस भी पैंदा सिर नूं, खाना खा के उस टाइम पर ना लेटना नहीं चाहिए। तो मैं कड़ी चीज़ हाँ कड़ा चूड़ियाँ कड़ा वा खराब होया हो उस्मान बेटे को मैं उधर गई सी, तो उस्मान बेटे ने दिता अमरूंडा बल्कि दे के गया, इतने मैं उधर गई सी, बाद में घर आ गई सी तो अपने चाचू लैके आया सी चौधरी साहब, उन्हें तो मिठे ना कोई जोड़ नहीं है तो अमरूंडा पिया वा, कहते पप्पा तुसी नहीं खाना, मैं बस चेक करूँगी खाँदी नहीं है, कोई बच्चा आया तो ना उन्होंने दे दूँगी। तो मिठा मैं जरा ना घट कर दिता वा, दोस्तों मेरिया ने भी कहा ना मिठा घट करो फिर जरा ना वजन कम होएगा, खाना भी घट करो। डॉक्टर ने कहा भी अद्धी सुक्की रोटी सुबह नाश्ते, अद्धी दोपहरे और अद्धी शामी, तो चावल बिल्कुल नहीं खाने। तो काफ़ी दिन हो गए मैं चावल बनाए भी नहीं है घर, अगे तो भाजी उसमें बनावे भाजी शमीम बनावे बेच ना तो भेज देंगे सी, मैं कहा नहीं चावल मना किए, चावल बिल्कुल नहीं खाने तो घर पकाने भी नहीं है, कोई मेहमान आया तो फिर ही बस पकाने हैं तो बंदा नहीं खाता, बंदा अल्लाह तंदुरुस्ती देवे। सुबह प्रशाद उन्हों का लेंटर कल अज भरिया वा, बालन वीरा लैके गया सीगा, तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खुशी हुई। किस दिन जाऊँगी जिस दिन टाइम लगा ना, तो फिर अपने भरा का घर देख के आऊँगी, अल्लाह करे खैर। तो हूँ मैं चल रही हूँ घर, डकार आ गया वा, देखो ना बंदा थोड़ा जहा फिर वे खाना खा के उस टाइम सोना नहीं चाहिए। रोटी भी मैं अद्धी अद्धी कर दी है और आटा गुन के सुबह च वास्ते भी रख लिया वा ना, तो दो पेड़े जोड़े है वाद जी आटा मैं गुन नहीं क्योंकि डोगी आ जाता, जो डोगी हो हम मैं चाय बना के ना पा कढ़ाई च पाई है, थोड़ी लेट शायद आवे तो फिर मैं सो जानी हाँ, कुंडा लगा के ताला लगा के फिर डोगी आँदी है, फिर मैं कहा भुखी ना रवे। तो डोगी साढ़े सारे मतलब आँदी घर च, समान उन्हों के भी साढ़े भी वह भी रोटी पा देंगे, असी भी रोटी भी दुध भी मतलब सारिया चीज़ा जो असी भी दिने पा। अच्छा जी शाम हो गई है, सूरज गरूब हो गया वा बिल्कुल, चार चफेरे बाग और नाल सरों के फुल, किला दो किला है पहली जी मतलब सरों के ऐर आया बीजा, किन्नी सोहनी खुशबू आती है घर, इन्नी प्यारी खुशबू आती है फुलों की, और बिच कोठी माशाल्लाह बड़ा सोहना लगता वा ए वाला व्यू। हापी नीलम बचमलका उन्होंने बड़ा पसंद आ, छाते पप्पू जी उन्हें आए थे बड़ा उन्होंने ना पसंद आ, तो होर भी सारे इंग्लैंड तो मेहमान आए थे उन्होंने भी बड़ा पसंद से, मेहमान शाम तक कर रहे थे ना मैनू हापी अनीसा दे भाई से शायद, ए सिर्फ व्यू देखने वास्ते रुके से शाम तकर साढ़े को भी ए वाला व्यू, इंग्लैंड रेंदे से शायद भाई नाम मैं भाई का याद भुल गई हाँ, तो ए वाला व्यू देखने रुके से। चलो अगर मेरे भाई देख रहे हैं या मेरी आपी अनीसा देख रही है तो उन्होंने वास्ते ए वाला व्यू का क्लिप डाल दनी हूँ, कह
कनक माशाल्लाह नाली ते आ गई है, माल्टे खत्म हो गए बिल्कुल छोटे छोटे है, स्प्रे की है बच्चों भी नहीं मैं खान दिते, अगले दिन आए थे खुद भी नहीं खाने, कमरे च लाइटा मैं लगता चौधरी साहब ने जलाइया वा और मैं जरा हूँ ग्लोब भी जलाव और इतने सामने भी जलाव, छापर जरा ना चुक लेना वा उस्मान बेटा ते गया से छापर असी जरा ना छापर बिल्कुल कुंडा में लगाता वा अंदर बाकी लाइटा जड़िया ना जलन दियाँ वा इतने सामने भी चलाता मैं बलियां जला दतिया फिर ना इधर तक रोशनी रहती है और यह ग्लोब भी चलाता। चलो जी ग्लोब भी चला दते हैं माशाल्लाह लाइटा जल दियाँ शाम जरा मैं सारिया जला के ना दरवाजे एक दफा अपने भैन भाई दिखा दी हाँ फिलहाल तो अखबार में दस ताक लग्या हो सही नहीं नजर आ रहे नहीं सही आ रहे सही नहीं नज़र आ रहे जिस तरह मतलब दरवाजे नज़र आने चाहिए सी इतने भी लाइटा जलन दियाँ वा चारपाइया भी चुक के मैं अंदर कर दी वा सॉरी सब उन्होंने कीतियाँ मैंने कीतियाँ फिर हले नहीं जलाइया कमर फ्रंट साइड तो जला दीतियाँ इधर हले मैं मतलब घूमन फिरन डई हाँ तो फिर जरा ना जला लूँगी बचपन की याद ताज़ा करती हूँ बड़ा अमरूदा खाईदा सी है ना चावलों वाला एक मरूंडा सी हुंदा एक मरूंडा किड़ा हुंदा सी चनिया दी दाल वाला हाँ जी मैं चनिया दी दाल वाला ज्यादा पसंद चेक करना। अच्छा अच्छा जी मैं सिर्फ चेक किया वा उस तरह बिच पा देने पा देना वा ये भी मीठा नहीं खाते मैं भी मीठा अगे खा लेनी सी लेकिन हूँ नहीं खाना इस तरह जोड़ दई तो बच्चे बजूज मैं शब्द ही पा जाता वा उन्हें दे दूंगी अल्लाह अल्लाह तो खैर सलाह नाल दे गाँव जरा ना अजान हो रही है अपने गाँव च होंगी तो फिर जरा ना मगरब की नमाज अदा कर दें अल्लाह ताला दा शुक्र अदा कर दें लाइटा सारिया मैं जला दी वा यह रंग वाले भाई का सारा जरा ना हिसाब किताब पिया वा रंग लटक पे वगैरह अब जुम्मा करके वीरा नहीं आया जुम्मे वाले दिन पता छुट्टी होंगी है तो इधर मैं देखना इसी भी मौसम खराब है मोटर से मग्गा दिता कि नहीं मोटर से मग्गा जरा ना दिता होया वा ए फर्श काला होया वा फिर रंग वाले भाई ने शायद दुलिया होना वा रंग इधर उन्होंने हूँ चल जाने ए शाम हो गया कीड़े जड़े ना मर गए दुध के बिच रेतना बहर कड़ी हुई है। अच्छा जी अगर वीडियो साढ़े भैन भाइयों को अच्छी लगे लाइक करियो शेयर करियो सानू दिओ इजाजत रब सुन दे हवाले रब राखा अल्लाह हाफिज़।